Hello everyone, welcome to my channel. Today we are back with our new question. Calculate V1 and V2 in the given circuit. देखे कैसे करना है इसको. V1 एंड V2 हमें फाइंड करना. V1 इस नोड का वोल्टेज है, V2 इस वाले नोड का वोल्टेज है. और ध्यान से देखो तो V1 और इन दोनों नोड्स के बीच में एक वोल्टेज सोर्स दे रखा 20 एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री. जब ऐसे दो नोड्स के बीच में एक वोल्टेज सोर्स आ जाए तो उसे कहते हैं सुपर नोड. ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं, सुपर नोड. ये जो कहलाएगा हमारा, इसे कहेंगे हम सुपर नोड. जब सुपर नोड आ जाए तब कैसे सोल्व करना है. देखो सुपर नोड जब आ जाएगा तो कैसे लिखेंगे, इन दोनों के बीच का पोटेंशियल कितना होगा, V1 माइनस V2 कितना देगा 20 एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री वोल्ट. ठीक है, तो यहाँ से देखो V1 माइनस V2 की जो वैल्यू कितनी होगी, V1 माइनस V2 जो होगा वो कितना होगा 20 एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री. ठीक है, ये कैसे लिख पा रहे, इसका अगर पॉजिटिव नेगेटिव साइन है तो V1 माइनस V2, अगर नेगेटिव पॉजिटिव होता तो V2 माइनस V1 लिखते. इसको कहते हैं इक्वेशन नंबर 1. नेक्स्ट आगे क्या करेंगे, आपका लगाना, देखो KCL लगाना. KCL लगाने के लिए क्या करेंगे, मैं दोबारा से सर्किट ड्रॉ कर रहा हूँ एक बार फिर से ताकि अच्छे से समझ आए. जब KCL लगाएंगे, जब सुपर नोड आता है तो KCL कैसे लगाना है ये एक बार देखना. ये इसका इस क्वेश्चन का मेन पॉइंट है. एक बार के लिए मान लो कि ये वोल्टेज सोर्स नहीं है. ठीक है, इसके बीच में इसका V1 वोल्टेज है, इसका V2, ये 2 ओम, ये -J1 ओम, ये J4 ओम और ये 4 ओम. ठीक है, KCL लगाएंगे कितना आएगा यहाँ पे, KCL लगाओ. ये मैंने मान लिया करंट इस वाली ब्रांच में ऐसा आ रही है, इसमें ये ऐसे जा रही है, इसमें भी ऐसे जा रही है और इसमें भी जा रही है. ठीक है, जब मैं KCL लगाऊंगा इस वाले नोड पे तो क्या होगा, तो देखो मैं नाम दे देना हूँ इनका कुछ. इसको I1 कह दिया मैंने, इसको I2, इसको I3 और इसको I4. तो I1 केवल आ रही है, I2 प्लस I3 प्लस I4 क्या हो रही है, जा रही है. तो I1 की वैल्यू क्या होगी, 15 एट एन एंगल 0 माइनस V1 अपॉन 4. I2 की वैल्यू कितनी होगी, मैं इन सब का रेफरेंस ये मान रहा हूँ ग्राउंड. तो I2 की वैल्यू कितनी होगी, V1 अपॉन J4. I3 की कितनी वैल्यू होगी, देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे, V2 अपॉन -J1. और इस वाले में I4 की क्या होगी, V2 अपॉन 2. तो बस यहाँ पे देखो हमें V1 की वैल्यू यहाँ से V2 प्लस 20 एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री हो जाएगा. तो यहाँ पे क्या करेंगे, जहाँ जहाँ V1 आया वहाँ पे ये वाली वैल्यू लग देंगे. तो 15 एट एन एंगल ऑफ 0 माइनस V1 की वैल्यू कितनी आई है, V2 प्लस इक्वेशन नंबर 1 से मैं लिख रहा हूँ ये, अपॉन 4 V2 प्लस 20 एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री अपॉन J4 प्लस V2 अपॉन -J1 और V2 अपॉन 2. यहाँ से V2 को सोल्व करेंगे. ठीक है, रीअरेंज करने पर हमें V2 की जो वैल्यू मिलेगी वो आएगा कितना, 5 -10√3 -J10√3 -1 अपॉन 3 प्लस J3. ठीक है, तो इसको आप क्या करेंगे, फेजर में चेंज कर लो. फेजर में इसको चेंज करेंगे तो क्या मिलेगा मुझे, मैं एक बार और ज़्यादा इसको क्लियर, इसको इसकी वैल्यू होगी, इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी -12.32 और इसकी वैल्यू होगी -J7.32. नीचे वाले की लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 3√2 और इसका एंगल कितना आ जाएगा, यहाँ से 3/3 यानी 1 यानी 45 डिग्री. ठीक है, 10 इनवर्स 1 यानी 45 डिग्री. ऐसे ही अब देखो ऊपर वाले का को भी फेजर में चेंज करो. जब मैं ऊपर वाले को फेजर में चेंज करता हूँ, एक बात ध्यान देनी है, ये दोनों कोऑर्डिनेट नेगेटिव है. नेगेटिव है यानी कौन से क्वाड्रेंट में लाइक करेगा, मैं यहाँ पे एक बार बना के दिखा दे रहा हूँ. दोनों कोऑर्डिनेट नेगेटिव है यानी थर्ड क्वाड्रेंट में लाइक करेगा. ठीक है, मैंने मान लिया ये 12.32 यहाँ पर है और ये -7.32 यहाँ पे मान लिया. तो यहाँ पे कहीं पे इसका कोऑर्डिनेट बन रहा होगा, तो इस वाले एंगल को निकालेंगे पहले हम. ठीक है,
तो इस वाले एंगल जो जितना आएगा वो कितना होगा, यहाँ पे देखो अब ध्यान से, ये वो आएगा 30.72, कितना आएगा 30, देखो यहाँ पे दोनों माइनस के, ये प्लस आएगा, यानी 30. कितना 72, इतने डिग्री आ जाएगा। अब आगे क्या करना, हम जो एंगल मेजर करते हैं कास्ट करते हैं यहाँ से, ठीक है, तो इसमें क्या कर देंगे 188 कर देंगे। जब थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल आना तो क्या कर देना, उसमें 180 ऐड कर देना, ठीक है। जब थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच जाइए तो क्या कर देना 188 कर देना, क्योंकि एंगल हमें यहाँ से लेना। सेकंड में आ जा रहा है तो क्या करेंगे 180 माइनस करेंगे। अगर देखो यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा तो, और फोर्थ में आएगा तो क्या करेंगे, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे 180, ये 270 प्लस ये वाला एंगल, ठीक है। तो इसको मैं जब चेंज करूंगा तो इसका एम्पलीट्यूड कितना आएगा, एम्पलीट्यूड आएगा इसका 14.33, इसका एंगल आएगा 30.180 प्लस 30.72 अपॉन 3√2 एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, ठीक है। तो वी टू की जो फाइनल वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी फेजर में, 3.38 एट एन एंगल ऑफ 165.72 डिग्री। ये आ गई हमारी वी टू की वैल्यू, ठीक है, ये आ गई वी टू की वैल्यू। हमें पता वी वन इक्व टू कितना था, वी टू प्लस फर्स्ट इक्वेशन से मैं इसको लिख रहा हूँ 20 एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। वी वन की जो वैल्यू है यहाँ पर लगा, वी टू की 3.38 एट एन एंगल ऑफ 165.72 डिग्री प्लस 20 एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। तो ये सोल्व होकर कितना आएगा, 19.36 एट एन एंगल ऑफ 69.68 डिग्री, ठीक है। देखो बस इसमें कंसेप्ट क्या था, सुपर नोड को सोल्व करना, और बाकी का कुछ नहीं था, बाकी का बहुत आसान था। जैसे हमने पीछे काम किया सारे सर्किट में, ऐसे ही काम करते चले जाना, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।